यस, ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है मेंसुरेशन पे बेस्ड। कोशिश यही है कि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर पता चल जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्रिपेयर कर सकें। आपसे कह रहे हैं द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। तो पहली बात तो आपको सिर्फ जो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इतना पता होना चाहिए कि ये आपके पास सर्कल है, तो इसका पैरीमीटर कितना होता है? बताओ पैरीमीटर कितना होता है? पैरीमीटर का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, परिधि, चारों तरफ की लेंथ, वो पैरीमीटर है। पैरीमीटर जब भी कहेगा इसका मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो सर्कल में होता है 2 पाई आर, कितना होता है? ठीक है। और एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इतना सही क्वेश्चन है, बस आपको इतनी सी नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपसे कह रहा है द पैरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। दोनों कभी वैसे इक्वल नहीं हो सकते भाई, सीधी सी बात है, एक सेंटीमीटर में होगा तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, एक लेंथ है और एक रीजन है एरिया, तो दोनों चीज़ें कभी इक्वल नहीं, लेकिन नंबर्स में हो सकती हैं कि हाँ भाई लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और एरिया भी 10 है लेकिन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे कह रहे दोनों इक्वल हैं, देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, तो कुछ करना नहीं था, दोनों को इक्वल लिखना था, फिर देखना था होगा क्या। क्या दिया हुआ है? पैरीमीटर जो है वो एरिया के इक्वल है, जैसे कह रहा है कर दो, हमारी तरफ से क्या जा रहा है, तो ये कर दिया हमने, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो बचा क्या, आर इज इक्वल टू टू। तो यही कह रहा था हमसे, हमसे कह रहा था रेडियस बताओ, तो रेडियस कितना आ गया, तो आर इज इक्वल टू टू हो जाएगा। सर समझ में आया? आप रख के देख लो, अगर आर को मैं यहाँ टू रख दूँ तो टू टू जा, तो पैरीमीटर हो जाएगा 4 पाई, और अगर यहाँ टू रख दूँ तो टू का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई। वो अलग बात है, ये एरिया है तो ये किस में होगा, स्क्वायर में। ये क्या है, लेंथ, तो ये किस में होगा, इतना सा। तो ये लेवल है बस, ठीक है सर, नोट करिए।